तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? पहले कभी आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा मैं देखती हूँ, कहीं दूसरा राज्य पैदा ना हो जाए। ये सब जानकर भी आप खामोश हैं दीदी? मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। एक तरफ राधा की जिद है जो अपने आप को उसे सुधारने के लिए कुर्बान कर देना चाहती है, दूसरी तरफ शाह, अगर उसे राधा का प्यार नहीं मिल सका तो वो भी राक्षस बन जाएगा। दीदी आप निराश हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप ही ने तो कहा था कि अन्याय का मुकाबला करना चाहिए। हम राय साहब के बच्चे की फोल खोल के रख देंगे, हम ये शादी नहीं होने देंगे। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। मेरे ख्याल में तुम इन सब का पहचानने में इनकार नहीं करोगे, अगर करोगे भी तो मैं करने नहीं दूंगा। ये लीना है तुम्हारे ऑफिस की सेक्रेटरी। So what? कहते हैं मालिक माँ बाप होता है, अन्नदाता होता है, जो अपने नौकर की इज्जत बचाने के लिए अपनी दौलत तक लुटा देता है। मगर तुमने अपनी दौलत का सहारा लेकर कई बेसहारों को तंग किया। काश मुझ में शराफत छोड़कर तुम्हें गाली देने की हिम्मत होती तो जानते हो मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारता? क्या? ये तुम अपने मुंह से कह लो, क्योंकि मैंने अभी तक शराफत नहीं छोड़ी। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन सभी जिंदगियों को तबाह करने के इल्जाम में तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। मैं समझता हूं तुम्हारा और इन सब लड़कियों का मुंह बंद करने के लिए रुपया काफी होगा। मिस्टर राजू, रावण के पास सोने की पूरी लंका थी, जब वो एक सीता का मुंह बंद न कर सका, आज तुम इतने लोगों की जुबान कैसे बंद कर सकोगे? मेरे पास इस रुपए के सिवा कुछ भी नहीं है, अगर जरूरत है तो ले जाओ, वरना 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 क्या घर से निकाल दोगे? यही ना। लेकिन तुम इतना जान लो कि वक्त बदल चुका है और आज के इस वक्त में जनता का राज है, बेहतर होगा कि अभी संभल जाओ, वरना ऐसा ना हो कि सब लोग मिलकर तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को जलाकर राख कर दे। I say get up. Okay, bye bye. बर्थडे पार्टी के साथ में खुद खबरी भी है, हमारे राय साहब की शादी में खाना बर्बादी होने वाली है। अरे वाट, क्या बात करता है, खाना बाती, I'm sorry, मेरा मतलब है कि खाना आबादी होने वाली, यानी कि फैमिली प्लानिंग। अरे कितने बजे, बड़ी कौन से हाल में? अरे यार ये तो मेरे को भी नहीं मालूम है, कुछ चुपचाप प्राइवेटली काम हो रहा है। अरे कमाल है, इतने बड़े आदमी का शादी, नो इनविटेशन, नो बड़ी काट। अरे दूसरा फोन आया, हाँ खेल जाओ थे नजर। हाँ हेलो, हाँ शादी हो रही है? हाँ शादी हो रही है, और ऐसे वीआईपी लोग का जन्म मरण पैदाइश वगैरह सब वीआईपी स्टाइल में होती है, उसके अंदर वीआईपी लोग ही शामिल होते हैं, जैसे कि खास आप लोग हैं। बाबा अरे जिधर नूर जहाँ उधर जहांगीर, अगले जहांगीरी, वो फिल्म देखा था ना? अरे यार फिल्म से बात याद आई, फंस गया, फिल्म का वो जो डांसर है ना मशहूर, क्या नाम उसका, हेलन, हेलन पार्टी में डांस करने वाली है। अरे बड़ी वो कैसा डांस करती है, तुम चले ना। अरे कट्टू मल, बगल में कोई खटाई बैठी ली, किधर चले ले जा रहे उसको? चलेंगे पार्टी में। हेलो, अरे बड़ी तुम कब शादी कर रहा है? कट्टू मल की क्या हुआ? अरे क्या हो क्या बड़ी? अरे बोलो, हेलो, ये बात आज करनी थी, अबे टेलीफोन में से तीर मार दिया मेरे को, मेरी सिविन भाई आ गई,
ये साला आज रात को वो चूहा जरूर आएगा जिसने वो सारी छिंदी छिंदी की थी। मैं भी साले को आज पाप के अंदर नहीं मारा तो मेरा नाम भी जागी नहीं। अरे बाबा मेरा शादी नहीं है, राय साहब का शादी है। हेम भाई का डांस हो रहा है, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। हाँ जी मेरा शादी नहीं है, अंदर चलो, अंदर डांस है। इसको बोलो मेरा शादी हो रहा है, मैं साहब को खेलो डांस अंदर हो रहा है, मैं बाहर खेलो। अंदर जागी साले लड़की कमाता है, मर्द से लड़के दे। साले भाग जा। यह अन्याय है और हम तुम्हें इस अन्याय के आगे माथा टेकने नहीं देंगी। तुम कौन होती मेरी जाति मामलात में दखल देने वाली? कान खोल कर सुन लो, मैं बालिक हूँ, मुझ पर किसी का जोर दबाव नहीं चल सकता। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, समझी? कमाल है, हम तो इसके भले के लिए आए थे, खुद ही मना करी तो मरे, हमें क्या करना है? चलो चलो सब जाएंगे यहाँ से। मैं भी पुलिस को फोन करता हूं। प्रीता? प्रीता नहीं, गीता। याद नहीं तुम्हारे प्यार के पहरेदार? गीता, तुम यहां क्यों आई हो? मुबारकबाद देने। थैंक यू, तुम जा सकती हो। जाने से पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम जिससे शादी कर रहे हो जानते हो कौन है? जानता हूँ, राधा से। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि राधा प्रीता की बेटी है। So what? राधा प्रीता की बेटी है, मेरी तो नहीं। पत्नी और प्रेमिका में ज्यादा फर्क नहीं होता राजू, राधा प्रीता की बेटी है इसलिए तुमने उसमें प्रीता की झलक देखी और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहा। लेकिन क्या कभी तुमने ये भी सोचा है कि राधा के साथ तुम वो सलूक क्यों न कर पाए जो तुम दूसरी अनगिनत लड़कियों के साथ करते आए हो? इसलिए कि राधा प्रीता की बेटी है और प्रीता की बेटी तुम्हारी बेटी है जिसे तुम नहीं लेकिन तुम्हारे अंदर का राजू जानता था। बोलो, जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? Get out. I say get out. Thank you.
कन्या को बुलाओ। ओ नमः भगवते वासुदेवाय नमः शुभ मंगलम कार्यम ओम शुभ मंगलम पाठांतम ओम गणने जन्म सुखाना राय बहादुर को बुलाओ। ओम मेरी बेटी की बर्बादी की जिम्मेदार तुम। मैंने तो चाहा था कि वो रुक जाए, लेकिन वो रुकी नहीं। राधा के अंदर राजू ने तुम्हारी झलक देखी। तेरी शक्ल तो खूब बहु मुझसे निकली, वो खुद उसके सामने क्यों नहीं जाती? तुझे देखकर वो राधा को भूल सकता है? भूल सकता है, हाँ भूल सकता है। जब राधा अपने आप को उसे सुधारने के लिए कुर्बान कर सकती है, तो क्या तू राधा के लिए अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती? दीदी राधा। क्या तो? हाँ राधा, सचमुच राय साहब बहुत महान है। मैं अपने कमरे में बैठा अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था कि अचानक राय साहब पिछले दरवाजे से मेरे पास आए और कहा, श्याम तुम्हारी शादी है और तुम यहां, और मुझे अपने साथ ले गए, अपने हाथों से सहरा बांधा और मुझे वेदी की तरफ ढकेल दिया। राय साहब कहां है? वो नीचे होंगे। पापों के गढ़े में ढकेल दिया था, लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं जानती हूं राजन, तुम भटक गए थे। हां गीता, मैं भटक गया था। अब मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, अपने आप को कानून के हवाले करना होगा। खैर, रात बहुत हो चुकी है, मैं जहांगीर से कहता हूं कि तुम्हें घर छोड़ा है। नहीं राजू, अगर मैं चली गई तो तुम फिर भटक जाओगे।